पे समाप्त करते हैं आ, लेकिन यस सो यस लेकिन ये वाला पीडीएफ हमारे साथ में इसे फिर से हम दोहराएंगे और अपना सेटअप और अपना क्राइटेरिया जरूर इस महीने का बना लेंगे और इन्हीं ऑफर्स के इर्द गिर्द अपना बिजनेस बिल्ड कर लेंगे सो आई होप दोस्तों ये सारे ऑफर्स फिर से एक बार रिवाइज हो चुके होंगे लेकिन इन ऑफर्स का ही सहारा लेकर इस महीने के बिजनेस को बिल्ड करते समय हमारी स्ट्रैटेजी प्लान क्या होनी चाहिए हमारे एक्शन प्लान क्या होने चाहिए हमारे गोल सेटिंग कैसे होने चाहिए आ, हमें और किस झील के साथ किस माइंड के साथ काम करना है इन सब की जानकारी इन सब का रिविजन होना बेहद जरूरी है और वही सब रिविजन करवाने के लिए हमारे साथ हैं हम सब सभी के ग्रेट मेंटोर टीबीडी हम सभी के ग्रेट ग्रेट अपलाइन मुनीश चोपड़ा सर सो राउंड ऑफ अपलॉज एंड मुनीश सर प्लीज प्लीज गाइड अस टू मेक दिस मंथ अ पावरफुल मंथ वेलकम ऑन दिस थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच प्रीति मैम बहुत ही बढ़िया तरीके से बहुत ही मिठास भरी लैंग्वेज में आपने ऑफर्स जो है नवंबर के महीने की बताई हैं सो आई एम वेरी मच श्योर पी, पूरी टीम इन ऑफर का फायदा लेगी सो so, दोस्तों बहुत ही अच्छी अच्छी ऑफर्स आई हैं और डीपी वालों के लिए बहुत अच्छी अच्छी ऑफर्स है तो इनका फायदा लेना जो जो आज आपको बताया गया है अब नवंबर का महीना तो शुरू हो चुका है उससे पहले अक्टूबर का महीना निकला है बहुत सारे फेस्टिवल थे एक ही महीने में सारे फेस्टिवल आ गए लोग जरूरत से ज्यादा बिजी हो गए थे बट स्टिल यू ऑल हैव डन योर बेस्ट सो कॉन्ग्रेचुलेशन अब जो नवंबर का महीना है दोस्तों शुरू हुआ है ये शुरू हुआ है इतिहास लिखने के लिए ठीक है कई बार आ, मेरे से लोग पूछते हैं सर कुछ कामयाबी का सीक्रेट बताइए कोई स्किल बताइए हम कैसे कामयाब हों तो दोस्तों आज जो हम बात करेंगे उसी के ऊपर करेंगे कि कौन सी चीजें हैं जो कामयाबी के लिए चाहिए जो सबसे जरूरी चीजें हैं देखो स्किल भी चाहिए कॉलिंग भी आनी चाहिए लिस्ट बिल्डिंग प्लान दिखाना डेमो दिखाना फॉलोअप करना क्लोजिंग आनी चाहिए लेकिन क्या उनसे भी ऊपर कोई ऐसी चीज है जिससे कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ जुड़ी हुई है जिससे कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें जुड़ी हुई हैं, जिससे हमारे सपने पूरे हो सकते हैं तो आज हम दोस्तों उनके बारे में बात करने जा रहे हैं तो मैं आपको बताऊं कामयाबी के लिए क्या चाहिए उसके ऊपर आज बात करेंगे दोस्तों लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है अगर कहीं भी आ, कोई भी नेटवर्क uh, में प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप मुझे बीच में इंटरप्ट कर देना ठीक है सो so, आइए दोस्तों चलते हैं कामयाबी के लिए क्या चाहिए क्या क्या होना चाहिए देखो जो मेरी सोच है जो मेरा मानना है अगर आप जिंदगी में सचमुच सफल होना चाहते हो ना दोस्तों तो सफलता तो आपको मिली जाएगी एक होता है चाहिए एक होता है चाहिए ही चाहिए अगर कोई भी चीज आपको चाहिए ही चाहिए इन ऑल द सर्कमस्टांसेस तो भगवान कुछ ना कुछ ऐसे हालात बना देता दोस्तों वो चीज आपको मिलने वाली जो मंजिल है वहां तक पहुंचना आसान कर देता है भगवान तो क्या चाहिए आपको दोस्तों जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मोदी केयर में सफलता लेने के लिए मुझे लगता है जो वो चाहिए जिद भूख और पागलपन दुनिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े चाहे कोई एथलीट लगा लो प्लेयर लगा लो फिल्म स्टार लगा लो चाहे बड़े बड़े बिजनेस टाइकु लगा लो जिनको आगे बढ़ने की भूख ज्यादा थी वो ज्यादा आगे बढ़ गए जिनके अंदर आगे बढ़ने की जिद कम थी भूख कम थी पागलपन कम था वो थोड़ा पीछे रह गए सेम मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं अगर आपके अंदर जिद भूख पागलपन है ना जिंदगी में और मोदी में आगे बढ़ने का दोस्तों तो बढ़ना कैसे है वो तो बंदा फिर आपने बढ़ जाता है स्किल भी आ जाती सब कुछ आ जाती है लेकिन अगर जिद भूख और पागलपन कम है ना फिर जितनी मर्जी स्किल्स आप सीख लो दोस्तों आप आगे नहीं बढ़ पाओगे दुनिया के अंदर मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं कई बार मिलते भी रहते हैं रूटीन लाइफ में एक से एक बढ़िया टैलेंटेड लोग हैं मार्केट के अंदर लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाते क्यों क्योंकि करना तो चाहते हैं लेकिन वो दीवानापन वो पागलपन कहीं ना कहीं कमी होती है दोस्तों तो मैं आपको बताता हूं बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम जिनके अंदर जिद भूख और पागलपन बहुत ही ज्यादा था और उन लोगों ने इतिहास लिख दिया दोस्तों सबसे पहले बात करें अगर विराट कोहली की तो विराट कोहली को अगर आप जानते हो तो उनके पापा की डेड बॉडी घर पे पड़ी थी फिर भी रणजी ट्रॉफी अगले दिन खेलने गए थे कर्नाटका के साथ मैच था दिल्ली के अंदर अभी भी इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में उससे पहले उनको कैप्टेंसी से भी रिमूव कर दिया क्रिटिक्स उनके अगेंस्ट बोल रहे थे लोग उनके अगेंस्ट थे लेकिन हुआ क्या जिद थी कुछ ना कुछ कर दिखाने की दोस्तों और हुआ क्या उन्होंने ऐसी पारी खेल दी दोस्तों कि लोगों की एक बार दिवाली नहीं दो दो बार दिवाली होगी पूरा हिंदुस्तान उनके ऊपर प्राउड करना शुरू कर दिया क्यों एक पागलपन था उनके अंदर और पहली बार ऐसा हुआ कि विराट कोहली जी जब इंडिया मैच जीता और पहली बार इतने इमोशनल हो गए थे वो भी आपने सीन देखा होगा ठीक है और वी आर वेरी लकी कि तो उस सीन को लाइव देखने के लिए हमारे मोदी करके कुछ लीडर्स भी वहां पर थे लेकिन ये होता है दोस्तों पागलपन आपने एलन मस्क का नाम सुना होगा आपने राइट इवन के दोस्तों अगर मैं आपको बताऊंगा ना एलन मस्क के बारे में दो तीन बातें आप रह हजार करोड़ की कंपनी उस इंसान ने बेच दी और खुद रेंट पे रहना शुरू कर दिया और बिजनेस वो पैसा उसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया था तो ये पागलपन तो है और क्या है सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड कप चल रहा था जब पापा की डेथ हो गई अगले दिन चले गए थे मैच खेलने के लिए दो तो किनिया के खिलाफ मैच खेला था और 140 स्कोर मारे थे उस बंदे ने धोनी गवर्नमेंट जॉब करते थे टी 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 की ट्रेन के रेलवे के अंदर जॉब छोड़ के क्रिकेट में चले गए दशरथ मांझी जिनको बिहार मैन बोला जाता है माउंटेन मैन भी बोलते हैं वाइफ पहाड़ से गिर के डेथ हो गई 360 फीट लंबा और तीन स... 30 फीट हाइट और 25 फीट चौड़ा पहाड़ उस इंसान ने छैनी और हथौड़े से काट दिया था वो एक ही बात बोलता था जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं 20 साल लगे दोस्तों क्या स्किल रिक्वायर्ड थी कुछ भी नहीं था दोस्तों अकेले ने कर दिया क्या था बस जिद थी बस ठीक है तो जिद चाहिए जिंदगी में जीतने के लिए रिजन स्ट्रॉन्ग चाहिए एक जो लोग ज्यादा ड्रिंक करते हैं ना उनको चाहे ड्राई एरिया में भी छोड़ दो सुबह दस बजे छोड़ो शाम को आठ बजे तक वो पैसे भी अगर सुबह ले लोगे ना उनसे सारे शाम को सेट मिलेंगे तो कामयाबी के लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं होती दोस्तों ठीक है सिर्फ ये पागलपन चाहिए एक जुनून चाहिए जिंदगी में आगे बढ़ने का अमिताभ बच्चन जी रेडियो ने उनको रिजेक्ट कर दिया था सत्रह फिल्में फ्लॉप हो गई थी जंजीर से पहले आज सुपरस्टार बन गए थॉमस एडिसन जिन्होंने बल्ब की खोज की दस हजार एक्सपेरिमेंट फेल हो गए थे तो क्या स्किल चाहिए बस जिद थी भी करना ही है ठीक है तो कर दिया उन्होंने अरुणिमा सिन्हा माउंटेनियर है वो लड़की ट्रेन के अंदर कुछ गुंडों ने उनको ट्रेन से नीचे फेंक दिया था उसकी एक टांग कट गई रात को चूहे खाते रहे सुबह हॉस्पिटल लेके गए जिद थी भी मैंने कुछ करके दिखाना है माउंट एवरेस्ट चढ़ गई वो लड़की अलीबाबा बाबा के ऑनर चैकमा तीस बार रिजेक्ट कर दिया गया उनको नौकरी के लिए अलग अलग जगह पे गए के की वहां से भी रिजेक्ट हो गए आज चाइना का रिचेस्ट मैन है वो बंदा पागलपन जुनून कर्नल सैंडर्स साल की उम्र में हजार रेस्टोरेंटों के पास गए थे अपना सैंपल ले रेसिपी का रिजेक्ट हो गए आज KFC के के मालिक है वो दोस्त इधर होता क्या है एक प्रॉस्पेक्ट मना क्या करते दो तीन लोग टीम से इधर उधर चले क्या जाए बंदा वेंटिलेटर पे चला जाता कॉमा में चला जाता है ठीक है तो अगर जिंदगी में जीतना ना मोदी घर में जीतना है मोदी घर में बड़ी सफलता हासिल करनी है तो पागलपन चाहिए जिद चाहिए दोस्तों ठीक है और मैं एक और बहुत ही बढ़िया पर्सनैलिटी है उनके बारे में बताता हूँ जमशेद टाटा जी की स्टोरी जो कि जो रतन टाटा जी है, उनके फादर साहब थे वो Uh, जब गोरे थे अंग्रेज थे तो एक होटल था बहुत बढ़िया अपना होटल वैटसन ब्रिटिश होटल ब्रिटिश था इंग्लैंड में वो वहां पर गए तो वहां पर लिखा हुआ था आर नॉट लाउड उनको बाहर निकाल दिया गया था अब उस बंदे ने किया क्या उस बंदे ने खुंदक ले ली कुछ बला बुरा नहीं बोला इसको चैलेंज लिया पागलपन था उस बंदे ने कसम खाई कि साला ऐसा होटल बना दूंगा सब गोरे आकर मेरे होटल में ठहरा करेंगे मुंबई के अंदर ताज होटल बना दिया उसने आज जो भी लोग आते हैं ना फॉरन से दोस्तों उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है होटल ताज में रुकना जो बॉम्बे के अंदर है ठीक है तो कुछ ऐसा करो दोस्तों लोग तुम्हारे पीछे पीछे हैं ये छोटी छोटी बातों से दिल नहीं डे बैठ जाना होता जिद और पागलपन वाले लोग परसेंटेज में नहीं नंबर में काउंट होते हैं अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस में आना चाहते हो ठीक है तो मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूं जब कभी भी कोई चैलेंज आए तो आप ये याद रखना परमात्मा ने आपको ही चुना वो चैलेंज देने के लिए और आप उसको ओवरकम कर सकते हो ठीक है तो इसलिए पहला लेसन क्या है आगे बढ़ने का जिद भूख और पागलपन चाहिए दूसरा कई बार मैंने देखा है तो लोग सोचते हैं सर मेरे साथ ऐसे हो गया मेरे बंदों की लॉयल्टी छूट गई मेरा कोई बंदा छोड़ के चला गया ये हो गया वो हो गया मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है दोस्तों मुझे एक बार बताओ दोस्तों जब अच्छे अच्छे काम होते तब तो हम भगवान को नहीं बोलते कि मुझे क्यों चुना आपने इस काम के लिए जब कोई थोड़ा सा चैलेंज आता है तो फिर हम भगवान को कोसना शुरू कर देते हैं एक बात याद रखना दोस्तों महान लोग होते हैं ना जो चैंपियन होते हैं वो हॉस्पिटलों में पैदा नहीं होते वो चॉइस से बनते हैं वो भी फील्ड में रह के तो अगर जब भी भगवान आपको कोई चैलेंज दे तो दोस्तों आप हमेशा भगवान का शुक्र करना और भगवान को ये नहीं बोलना भी मुझे चैलेंज ना दे भगवान को ये बोलना भी भगवान इतना काबिल बना देना कि मैं इसको ओवरकम कर लूँ ठीक है भगवान को यही बोलना भी मुझे और ऐसी इंटेलेक्ट माइंड दे भी मैं आ, कैसे इसको बीट कर पाऊँ मैं ठीक है दोस्तों तो कभी भी अगर कोई चैलेंज आ जाए तो घबराना नहीं होता यार कई बार ऊपर कई बार नीचे चलता रहता है इट्स ए लॉ सम टाइम यू कैन लूज ये कुदरत का दस्तूर है हमेशा जीतने कोई कई जंगें हार भी जानी पड़ती हैं ये कुदरत के सिद्धांत है इट्स ए लाइफ तो टेंशन नहीं लेने की जरूरत है ठीक है मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कुछ लोग बोलते हैं ना ये मेरे साथ ही क्यों होता है देखो कई बार मैंने देखा आप देखो आप कोई टाइम था ऐसा जब हम सोचा करते थे यार काश मैं एफ एस सी बन जाऊं या जा राइजिंग स्टार बन जाऊं आप बन गए फिर डायरेक्टर बन गए सीनियर डायरेक्टर बन गए ईडी बन गए एसई डी बन गए ठीक है तब तो हमने भगवान को नहीं बोला भी आपने मुझे क्यों चूज किया और भी तो कोई लोग थे और होता क्या कई बार थोड़ा सा जब चैलेंज आ जाता है ना तो बंदा फिर ना कोसना शुरू कर देता है बंदा ना ग्रेटिट्यूड जोन से बाहर निकल जाता दोस्तों तो हमने वो गलती नहीं करनी ठीक है जो होता है सब अच्छे के लिए होता है ठीक है भगवान ने आपको चैलेंज दिए हैं भगवान ने अगर किसी को कोई सिचुएशन दी है उससे निकलने के लिए दी है वो इम्तिहान होता है अगर हम उस इम्तिहान पास करके आगे निकल जाएंगे तो इसका मतलब क्या आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है एक आपको बहुत ही हिला देने वाली एक बात बताता हूं एक बैडमिंटन का ना बंदा हुआ है वर्ल्ड चैंपियन था उसका नाम था आरसू एशे जो बैडमिंटन का ना मेन चार टूर्नामेंट होते हैं लेकिन हुआ अनफॉर्चुनेटली छत्तीस साल की उम्र में उसकी हार्ट सर्जरी हुई एटी थ्री की बात है जब उसको ब्लड चढ़ा रहे थे वो ब्लड इंफेक्टेड था वो एच आई पॉजिटिव आ गया अब उस बंदे ने बेचारे ने उसको हाइड करने की कोशिश की लेकिन सम हाउ वो बात लीक होके मार्केट में चलेगी बहुत सारे लोग रोए दुखी हुए लोगों ने लेटर भी लिखे इमोशनल लेटर लिखे एक लड़का था पंद्रह साल का उसने उसको एक लेटर लिखी और उसने बोला जब मैं भगवान को मिलूंगा तो मैं भगवान से पूछूंगा कि भगवान जी आपने अर्सुश जो है उनको यंग एज में इतनी भयंकर बीमारी क्यों दे दी तो दोस्तों मैं आपको बताऊं उस बंदे ने उसका रिप्लाई किया जो वो वर्ल्ड चैंपियन था ना आरसू एशे और वो जो रिप्लाई है ना आज भी टेनिस कोर्ट के अंदर ना मार्बल के पत्थर में गोद के रखा हुआ है और मैं आपको बताता हूँ उस बंदा का एटीट्यूड देखो हार्ट सर्जरी हुई थी बाद में एचआईवी पॉजिटिव हो गया बुरी हालत होगी लेकिन उस बंदे ने रिप्लाई क्या किया यहां से बहुत तगड़ा आपको लेसन मिलेगा दोस्तों उस बंदे ने बोला इस दुनिया के अंदर पचास मिलियन बच्चे ऐसे हैं इस धरती के ऊपर पचास मिलियन मतलब लगा लो लगभग लगभग एक मिलियन होता है दस लाख पांच मतलब 500 लाख पांच लाख बच्चे ऐसे हैं जो टेनिस खेलना चाहते हैं जो टेनिस के अंदर आना चाहते हैं लेकिन उस पांच सो पचास मिलियन मतलब पांच लाख बच्चों में से सिर्फ पचास लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ रैकेट को पकड़ते हैं और उन सौभाग्यशाली बच्चों में से आउट ऑफ पचास लाख सिर्फ पांच लाख ही बच्चे ऐसे होते हैं इस धरती पे जो उस टाइम का रिप्लाई है जो के स्कूल या यूनिवर्सिटी लेवल तक खेल पाते हैं और फिर उन पांच पचास लाख में से सिर्फ पांच लाख लोग ऐसे होते हैं जो स्कूल लेवल तक कॉलेज लेवल तक पहुंच पाते हैं और उन लाख बच्चों में भी सिर्फ पचास बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रोफेशनल टेनिस खेलते हैं है। और फिर उन पचास हजार बच्चों में से भी सिर्फ पांच हजार बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रोफेशनल प्लेयर बनते जाके बैडमिंटन के आगे और उन पांच हजार बच्चों में से 500 बच्चे ऐसे होते हैं जो विंबलडन खेलते हैं और उन 500 बच्चों के बीच में से सिर्फ चार लोग होते हैं ऐसे जो सेमीफाइनल तक पहुंचते हैं और उन चार में से दो ही लोग ऐसे होते हैं जो फाइनल तक पहुंचते हैं और एक ही आदमी होता है दोस्तों उन 500 लाख बच्चों में से जो विनर होता है जो कप को उठाता है और वो भगवान ने मुझे तीन बार वर्ल्ड चैंपियन बनाया मैंने तब नहीं भगवान को कुछ बोला तो अब क्यों बोलू मैं ठीक है दोस्तों इसलिए जब भी कोई चैलेंज आए तो घबराना नहीं है यार इट्स ए लाइफ सम टाइम यू कैन विन सम टाइम यू कैन लूज आपने एक ही भगवान को प्रेर बोलनी है भाई भगवान मुझे इतना काबिल बना दे चैलेंज जो भी आ जाए चक्कर ही कोई बात नहीं है ठीक है कोई टेंशन ही नहीं है ठीक है लेकिन मुझे इतना काबिल बना देना मैं उनको ओवरकम कर जाऊं ठीक है तो इसलिए परेशानियों से घबराना नहीं है कोई भी दिक्कत आते कोई टेंशन नहीं है दोस्तों आप रिस्पोंड कैसे करते हो देखो सिचुएशन आती है आप किसी भी सिचुएशन के अंदर आप रिस्पोंड कैसे करते हो दैट इज अ ट्रू लीडरशिप जब जब सब सब बड़ी होता है तब तो नहीं बोलते वाई मी लेकिन जब कोई इश्यू आता है तब बोलते हैं वाई मी ठीक है तो ये ध्यान रखना है देखो भगवान राम जी भी थे ना एक दिन पहले रायतल कोना था और एक दिन बाद चौदह साल का बनवास घटना घटी उनके साथ घटना क्या घटी बनवास का चक्कर लेकिन उन्होंने वहां पर रिएक्ट नहीं किया उन्होंने वहां पर रिएक्ट नहीं किया दोस्तों उन्होंने वहां पर रिस्पोंड किया रिस्पोंड क्या किया दोस्तों वो चले गए वहां पर चौदह साल का बनवास काटने लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकला इसका रिजल्ट ये निकला दोस्तों कि जब वो वापस आए तो लोग उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के नाम से जानते थे ठीक है तो एक बात याद रखना जब भी कोई घटना घटती है कोई इवेंट घटता है आपके साथ तो दो ही काम होते हैं एक होता है रिस्पोंड एक होता है रिएक्ट तो रिएक्ट नहीं जिंदगी में कभी करना दोस्तों जितने भी बड़े बड़े लीडर हुए ना दुनिया के अंदर चाहे कुछ भी हो जाए उन्होंने कभी रिएक्ट नहीं किया वो हमेशा रिस्पोंड करते हैं उससे आउटपुट फिर जबरदस्त आने आनी है दोस्तों ठीक है देखो प्रॉब्लम आना आपके हाथ में नहीं है लेकिन रिस्पॉन्स देना आपके हाथ में है। ये मेरी बात आप याद रखना सचिन जी जब खेलते थे ना पाकिस्तान के खिलाफ या कहीं भी खेलते थे कई लोग उनको सिलेजिंग करते थे कई बार फोकस डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत लोग बोलते हैं कई बार अभी भी जब मैच हुआ था आप ध्यान से देखना जो बॉलर होता है ना वो ज्यादा प्रेशर बनने की कोशिश करता है ऐसे ही जब आप मोदी के आते हो नया नया बिजनेस शुरू करते हो बहुत सारे लोग आपकी हंसी उड़ाते हैं आपका मजाक उड़ाते हैं ठीक है आपको बोलेंगे तू कर नहीं सकता ये है आपको शेक करने की कोशिश करेंगे आपकी इंसल्ट करने की कोशिश करेंगे आपको मेंटल डिसबैलेंस करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ताकि आप रिएक्ट करो और साला जो गेम है जो रिजल्ट है वो चेंज हो जाए लेकिन एक बात याद रखना कुछ भी आपके साथ होता है दोस्तों आपने रिएक्ट नहीं करना रिस्पोंड करना रिस्पोंड किससे करना है रिस्पोंड करना है दोस्तों आपने अपने काम के साथ आपने अपने काम से जवाब देना होता है ठीक है आपने वो कोक की बोतल देखना जो प्लास्टिक की बोतल होती है ना उससे वो नजर आता है पूरा अच्छी तरह आप शेक करना एक बार ऐसे जोर से तो क्या होगा जब आप खोलोगे ना बोटल को वो सारी जाग ही बन जाती है और एंड पे होता क्या वो सारी जाग बाहर निकले खत्म होती है एक होती है पानी की बॉटल ठीक है बेस्री या कोई भी बॉटल है ना उसको शेक करके देखना बिल्कुल देख दोस्तों फिर उसका ढक्कन खोलना उसमें कभी भी गैस नहीं बनेगी जितना मर्जी पानी को हिला दो आप जो पानी की हालत देखोगे ना बिल्कुल काम होता है दोस्तों ठीक है तो हमने क्या करना होता है हमने पानी की तरह बनना है अपनी लाइफ के अंदर ठीक है जो कोई जो मर्जी बोलता है नो no रिएक्शन जो भी हो जाए दोस्तों टेंशन नहीं लेनी दोस्तों ठीक है टेंशन लेने का नहीं है ठीक है टेंशन देने का है ठीक है तो क्या करना है अपना डिफेंसिव सिस्टम जो है ना उसको स्ट्रॉन्ग करना है इसको मजबूत करना दोस्तों हम लोगों ने अदरवाइज तो दोस्तों कोई भी सुई लगा के हमारी हवा निकाल के निकल जाएगा ठीक है आज तक जितने भी लोग कामयाब हुए हैं जितने भी लोग कामयाब हुए हैं इतिहास गवाए है दोस्तों उन्होंने रिस्पोंड किया है ठीक है उन्होंने कभी भी रिएक्ट नहीं किया अब आप लोगों ने नवंबर के महीने में भी क्या करना है रिस्पोंड करना है ठीक है नया महीना चढ़ चुका है आपने कर्तव्य करके दिखाना है अपने खुद के रिकॉर्ड तोड़ने अब आपने अक्टूबर के महीने के नवंबर में क्या करना आपने नंबर एक सबसे पहले तो अपना रिकॉर्ड तोड़ना है बीवी का अक्टूबर में फेस्टिवल जोन में थे सब लोग नवंबर चढ़ चुका है तो आपने क्या करना है अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ना बीवी का जितना बीवी अक्टूबर में किया उससे आगे जाना है खुद टारगेट सेट करो अपना दस परसेंट बीस परसेंट जितना भी फिर टाइटल भी जंप करना है जो अक्टूबर में टाइटल था वो नवंबर में ग्रोथ लेनी उसकी और जितना अक्टूबर में चेक आपका बना या बने आपको पता ही होगा नवंबर में उसको बीट करना है तो किसी और से कंपटीशन नहीं है अपने खुद से कंपटीशन करना है फिर अभी हम स्पेशल तीन एक करने जा रहे हैं दोस्तों अमृतसर जम्मू और अंबाला में ये प्योरली एंड प्योरली सेलिब्रेशन इवेंट होंगे मैं आपको बताऊं दोस्तों एक बार याद रखना जिस व्यवहार को दोगे पुरस्कार वो दोहराएगा बार बार जो लोगों को सम्मान देना होता है ना जो रेकोगेशन होती है ना वो लोगों से बड़े बड़े काम करा देती है और इस इवेंट के अंदर वही करने जा रहे हैं रेकोगेशन इवेंट में दोस्तों लोगों को जब आप ट्रॉफी देते हो सम्मान देते हो ना लोग बड़े बड़े फैसले कर लेते हैं आप देखना खुद ही जो नए लोग आएंगे ना वो डायरेक्टर जाने का डिसीजन वहीं से लेके जाएंगे लोग जो डायरेक्टर आएंगे या अब आएंगे वो अपने टाइटल का जंप करने का डिसीजन वहीं से लेके जाएंगे जो मान सम्मान रिस्पेक्ट होता है ना दोस्तों ये लोगों से बड़े बड़े काम करा देता है मैं आपको बताऊं जब महाभारत के अंदर भीम अर्जुन वगैरह इन्होंने जब उसकी इंसल्ट की थी कर्ण की जो कि इनका था तो भाई लेकिन पुत्र था तो उस टाइम उसके सिर के के ऊपर कर्ण दर्योधन ने मुकुट रखा था अंगराज का राजा बना दिया था उसको रिस्पेक्ट रेक और उस रिस्पेक्ट के चलते चलते कर्ण को पता भी था कि तो मैं अधर्म के साथ खड़ा हूं फिर भी दोस्तों वो सगे भाइयों के साथ मत लड़ने और मरने मारने के लिए खड़ा हो गया था रानी लक्ष्मीबाई जी जब अंग्रेजों का चैलेंज आया तो रानी लक्ष्मीबाई ने एक लेटर भेजी और साथ में राखी भेजी थी एक मुस्लिम शासक थे बंदा नवाब अली बहादुर जब उस बंदे ने वो लेटर पढ़ी और राखी देखी रातों रात ही तो रात वो हजार लोगों की फौज लेके अंग्रेजों के ऊपर चढ़ गया था रिकॉग्निशन रिस्पेक्ट मान सम्मान और ऐसे मान सम्मान दोस्तों आपका और आपके अचीवर्स का करने के लिए हम लोग रेडी हैं छ नवंबर को अमृतसर में दस बजे तेरह नवंबर को जम्मू के अंदर और अम्बाला के अंदर रेकोगेशन इवेंट होने जा रहे हैं दोस्तों अमृतसर का मैं बता देता हूँ अमृतसर के अंदर हम क्योंकि अमृतसर में मैं खुद ऑर्गेनाइज कर रहा हूं अमृतसर के अंदर हम जो भी न्यू राइजिंग स्टार हुए हैं जुलाई से लेकर अक्टूबर तक के उनकी फ्लैक्स पे फोटो में लगेगी नंबर मैंने भेज दिया अपने फोटो भेजनी अपनी कृपा करके वही फोटो लोग भेजें जो आ रहे हैं जो अमृतसर आ रहे हैं अदरवाइज तो आप जिस सिटी में जा रहे हो वहां पर का जो भी रेकोगेशन होगा लेकिन जो अमृतसर है वो फोटो यहाँ पर भेजें ठीक है फिर जो लोग थाईलैंड रेस में उनकी भी फ्लैक्स पे फोटो लगेगी जो न्यू डायरेक्टर सीनियर डायरेक्टर ईडी उनकी भी फोटो लगेगी ऑल एस प्लेटनम डायमंड सबकी फोटो लगेंगे फ्लैक्स में बाहर जबरदस्त रेकोग्निशन होगा ढोल भी बजेंगे 440 वोल्ट का करंट वहां दौड़ जाएगा आपकी नसों के अंदर मैं बता रहा हूं ये इवेंट बहुत ही सक्सेसफुल सुपर हिट होने जा रहे हैं ठीक है तो इन इवेंट्स के अंदर आपका फायदा क्या होगा आपके जो नए लोग हैं ना वो डिसीजन लेकर जाएंगे भी हमने इसी में महीने डायरेक्टर करना है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आना आपके सीनियर के बाद टिकट पहुंच चुकी है दिन बचे सिर्फ पांच तो टिकट्स जो फोटो में भेजने की लास्ट डेट है वो तीन नवंबर है दो दिन में आपने फोटो में भेजनी क्योंकि अभी टाइम कम है हमने प्रिंटिंग करानी है सारा कुछ करना है और डायरेक्टर एंड अबव को हम लोग ट्रॉफिया देंगे राइजिंग स्टार को मेडल देंगे और जो थाईलैंड रेस में है उनको भी मेडल या हम सर्टिफिकेट देंगे ठीक है तो बहुत ही जबरदस्त माहौल बनने वाला है इतने ज्यादा लोगों की फोटोएं लगेंगी फ्लैक्सों के ऊपर और आपका रेकोग्शन होगा ठीक है तो मैंने एक बात आपको बोली है, आप याद रखना जिस व्यवहार को दोगे पुरस्कार वही दोहराएगा बार बार ठीक है तो वहां पर पुरस्कार दिए जाएंगे जो आपने अच्छे काम किए हैं और उन पुरस्कारों को देखते हुए जो नए लोग आएंगे उनका भी दिल करेगा यार अगले इवेंट में हमने भी ऐसे ही करा ठीक है तो ये अपना आपका रिस्पॉन्ड होना चाहिए रिस्पॉन्स होना चाहिए नवंबर में फिर मैसिव स्पॉन्सरिंग के ऊपर फोकस करना है इस महीने न्यू ज्वाइनिंग लेकर नया ब्लड आएगा तो आग लगेगी मैसिव डेमोक्रेटे बनाओ मैजिक कॉर्नर बनाओ लोगों को राइजिंग स्टार बनाओ न्यू डायरेक्टर बनाओ 60 पीवी 120 पीवी करवाओ 10 तरीक से पहले पहले और करना क्या दोस्तों बोलना पॉजिटिव है सोचना पॉजिटिव है विजुलाइज पॉजिटिव करना है फील पॉजिटिव करना है और फटे चक देने आपने ठीक है सो so, ये था मेरी तरफ से अब हमारे बीच में हमारे दो और सीनियर लीडर हैं, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी आपको लक बोले नवंबर के महीने के लिए सबसे पहले हमारे ट्रिपल ब्लैक डायमंड विवेक शर्मा जी को मैं इनवाइट करना चाहूंगा सो बैक टू विवेक पाजी थैंक यू थैंक यू मनीष सर आज तो वाकई मतलब मैं क्या बताऊ जबरदस्त शुरुआत हो गई नवंबर मंथ की इतनी बढ़िया मीटिंग और प्रीति मैडम ने इतनी बढ़िया सारी ऑफर्स को एक्सप्लेन किया बड़े सिंपल लैंग्वेज में मजा आ गया इस मीटिंग का तो मैं आपसे वादा करता हूं कि वाकई इस महीने रिकॉर्ड ब्रेक होंगे पहले मैं सभी को अक्टूबर मंथ जिन्होंने बहुत बढ़िया फेस्टिवल मंथ होने के बावजूद भी अपना सबसे बढ़िया एफर्ट्स किए अपना बेस्ट दिया उन सभी को मुबारकबाद बहुत सारे लोगों ने नई पिने चीन के बहुत सारे राइजिंग स्टार आए और थाईलैंड वालों ने अपना फिफ्थ मंथ कंप्लीट किया सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद और दोस्तों जो अक्टूबर मंथ की कसर है ना वो हमने अब नवंबर में निकालनी है मतलब ये जो पंद्रह हजार बीस हजार वाली पच्चीस हजार वाली ऑफर आई थी कंपनी की तरफ से हो सकता है मैं अभी श्योर नहीं हूं हो सकता है कंपनी ये ऑफर दोबारा दे दे और यदि ये आ गई और बहुत सारे दोस्त इस ऑफर को लेने के लिए अक्टूबर मंथ में चूक गए थे उनके पास मौका आ जाएगा दोबारा उस ऑफर्स को अवेल करने का और अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा चीवर लाने का और उस सभी को हेल्प करने के लिए हमारा छह तरीक का जो इवेंट अमृतसर में होने जा रहा है दोस्तों वो चार चांद लगा देगा मैक्सिमम मैक्सिमम लोगों को एक एक बंदे को पर्सनली जाके आप इनवाइट कीजिए दोस्तों मेरे सीनियर बोलते हैं कि यही टाइम होता है अपने बिजनेस को दुगना करने का अपनी मैक्सिमम लैक्स को वहां पे बिठाइए चाहे आपने कोई भी टारगेट ले रखा है देखिए उसमें कितनी लैक्स इन्वॉल्व हैं उतनी लैक्स वहां पे होनी चाहिए चाहे दो दो चार चार बंदे ही हों आप ऐसा टारगेट लेके चलोगे ना दोस्तों तो फंक्शन तो बढ़िया होगा ही होगा नवंबर मंथ में आप इस फंक्शन के थ्रू बहुत बड़ी क्लोजिंग कर पाओगे और अपने मन मर्जी के चक्र ले पाओगे तो मैं सभी को एक बार फिर अक्टूबर मंथ के लिए मुबारकबाद देता हूं और बेस्ट विशेष बोलता हूं नवंबर मंथ के लिए आ जाओ चक दो फटे थैंक यू थैंक यू वेरी मच वेरी गुड वेरी गुड सर बहुत बढ़िया आप आगे चलते हैं बिल्कुल सही बोला विवेक जी ने आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रिपल ब्लैक डायमंड डॉक्टर शक्ति कुमार जी थैंक यू थैंक यू वेरी मच दोस्तों जैसा कि मनीष सर ने प्रीति मैम ने बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया हर चीजों को चाहे इस महीने की एक्सप्लेन की बात हो इस महीने की ऑफर्स की बात हो वेरी वेल एक्सप्लेन वाई प्रीति मैम मनीष सर मैं अब यही कहूंगा कि अब जो है हमें एक्शन में रहना है एक्शन मैन बनना है और जो उसके लिए जो हमें इस महीने का जो सेलिब्रेशन फंक्शन है बढ़ चढ़ के उसमें पार्टिसिपेट करना है अपने और अपने टीम के साथ और दोस्तों ओ अगर हम ढील मारे तो नहीं होगा वो कैसे होगा उनको हमें टिकट देना पड़ेगा हंड्रेड परसेंट प्रजेंट नहीं होगा अगर सौ टिकट देंगे तो सौ के सौ लोग नहीं आएंगे उसमें से कुछ ड्रॉप भी होंगे सिक्सटी या सेवेंटी लोग आपके पास आएंगे ये रूल होता है तो दोस्तों जिन जिन लोगों ने टिकट जितना लिया है या नहीं लिया है जो यहाँ पे आ सकते हैं तो जल्दी से टिकट आज या कल तक ले लीजिए और अपने अपने टीम को लेके जाइए और देखिए नंबर गेम होता है नंबर के है जितने हजार रुपए कमाना चाहते हैं उतने लोगों को आपने मीटिंग में बैठाना है हजार के पीछे एक हजार कमाने के लिए कम से कम एक या दो लोग रेगुलर मीटिंग में रहेंगे तो आपका हजार दो हजार बनेगा दस हजार के लिए दस लोग पचास हजार के लिए पचास लोग एक लाख रुपया कमाने के लिए सौ लोग आपके रेगुलर मीटिंग में आना चाहिए लेकिन सौ लोग के साथ साथ आपका चार से छ लेख के बंदे आने चाहिए ऐसा नहीं कि एक ही लेख में सौ लेख बैठ रहे हैं एक ही लेख में सौ लोग आ गए तो प्रॉफिटेबिलिटी घट जाती है सौ लोगों को तो लाना है लेकिन छ लेख में लाना है बहुत बड़ा बिजनेस होगा तो अभी हमारा जो छः तारीख को फंक्शन अमृतसर में जितने भी लीडर्स हैं वो यहाँ पे अपने लोगों को लेकर आए जम्मू वाले जम्मू में हमारे जितने भी लीडर हैं वहां लेके जाए अम्बाला वाले अम्बाला लेकर जाएं और मैं एक बात बताना चाहता हूं आप सबको चाहे हमारे बॉम्बे से प्रीति मैम हो जोगा सिंह हो कहीं से बिहार के लीडर हो यूपी के हो कहीं भी दोस्तों करो क्या ऑनलाइन कॉलिंग करो कुछ दिन के लिए अमृतसर में दो चार दस कॉल करके देखो कोई हो सकता है कोई बता तैयार हो जाए मीटिंग के लिए आ जाए आपका आ जाएगा तो आपका बात बन सकता है जहां जहां मीटिंग हो रहा है ऑनलाइन कॉलिंग करके लोगों को प्रमोट करो बहुत जगह दोस्तों बात बन जाती है क्योंकि गॉड्स प्लान होता है हर चीज के लिए हर लोगों के लिए ठीक है तो हमारी कोशिश करने में क्या जाता है कोशिश करने से हाँ भी हो सकता है अगर कोशिश ना करें तो केवल ना ही रहेगा ना तो जरूर कोशिश कीजिए और दोस्तों जैसा मनीष सर ने बताया हम सब ने इनके बताए हुए रास्ते को तरत तरीके को फॉलो करना है और आगे बढ़ना है और इस महीने से तो रेली में हम बहुत बड़ा जंप लेने जा रहे हैं बहुत बड़ा एक्साइटेड एक्साइटमेंट के साथ इस मंथ को बड़ा बनाने जा रहे हैं तो थैंक यू सो मच मनीष भैया थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब सो दोस्तों अब टाइम आ चुका है इतिहास लिखने का 6 नवंबर को दबा के प्रमोट करो और 13 नवंबर को जम्मू और अंबाला में फटे चक दें ठीक है सो यू गुड लक फॉर नवंबर मंथ अब करना क्या है टिकट टिक जल्दी जल्दी अपनी ले लो आने का इंतजाम कर लो और कल हमारा बीवीडी है अपनी बिलिंग शुरू कर लो नए महीने की सो so विशु बेस्ट ऑफ लक अपने अपने साठ रुपए एक सौ बीस भी कर लीजिए और टिकट ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कीजिए थैंक यू गुड नाइट